गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सो होपफुली आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड अपनी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे फॉर DSSSB एज वेल एज KVS। तो आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे रिगार्डिंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इन केंद्रीय विद्यालय संगठन, क्योंकि ये जनरली सारे कैंडिडेट्स की प्रॉब्लम होती है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की वजह से जो ग्रेजुएशन वाले होते हैं ना तो वो PRT का फॉर्म भर पाते हैं इस वजह से, ना वो PGT का फॉर्म भरवाते हैं क्योंकि उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करी होती है, एंड वी आर ओनली लेफ्ट विद द ऑप्शन ऑफ DSSSB। एंड सेम NVS में भी ऐसे ही होता है, नवोदय विद्यालय में भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का ऐसा प्रॉब्लम होता है कि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स जो होते हैं अपने अपॉर्चुनिटी से हाथ धो बैठते हैं। तो आप लोगों ने मुझसे कहा था कि मैं आप लोगों को ये बताऊं कि क्या क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की प्रॉब्लम है अगर हम TGT पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या क्या क्राइटेरिया आपको चाहिए होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं TGT इंग्लिश की। तो अगर आप लोग TGT पोस्ट TGT इंग्लिश के लिए अप्लाई करना चाहते हैं केंद्रीय विद्यालय, तो आपकी ग्रेजुएशन जो होनी चाहिए, ग्रेजुएशन के 3 साल के अंदर आपका इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। मतलब अगर आप लोगों ने इंग्लिश ऑनर्स भी किया है तो यही हो गया, इंग्लिश ऑनर्स किया है या आप लोगों ने बैचलर्स किया है, तो 3 साल अगर आप लोगों ने इंग्लिश पढ़ी है, चाहे आप किसी भी फील्ड में आपने ग्रेजुएशन किया है, तब आप लोग एलिजिबल हो जाते हैं फॉर TGT इंग्लिश। देन सेम विथ TGT हिंदी, अगर आप लोग TGT हिंदी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अगर ग्रेजुएशन के 3 साल आप लोगों ने हिंदी सब्जेक्ट पढ़ा है और साथ में सीटेट पेपर टू जो है इट इज़ द रिक्वायरमेंट फॉर एवरी TGT पोस्ट। PGT के लिए सीटेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, पर PRT के लिए सीटेट लेवल 1 एंड TGT के लिए सीटेट लेवल 2 कंपलसरी होता है। तो हिंदी के लिए हमने बात कर ली है TGT हिंदी, 3 साल अगर आप लोगों ने हिंदी पढ़ी है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट TGT सोशल साइंस की बात करें तो आपको पता है हमारा सोशल साइंस के 4 पार्ट्स होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉल साइंस। तो अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन के 3 साल में इन चारों में से अगर कोई भी 2 सब्जेक्ट्स भी पढ़े हैं, मान लो आप लोगों ने हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है 3 साल, या हिस्ट्री आपने ज्योग्राफी पढ़ी है, तो इन चारों में से अगर कोई भी 2 सब्जेक्ट्स आपने 3 साल पढ़े हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ TGT सोशल साइंस। साथ में आप लोगों का सीटेट पेपर 2 मस्ट बी क्लियर। देन बात कर लेते हैं TGT साइंस की, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं इसके अंदर। इसमें TGT साइंस का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ही अलग है, फिजिक्स ऑनर्स वाले, केमिस्ट्री ऑनर्स वाले तो अप्लाई ही नहीं कर सकते, इवन जोलॉजी वाले, बॉटनी ऑनर्स वाले, ये ऑनर्स वाले कैंडिडेट्स तो बिल्कुल ही इसमें फेलियर हो गए हैं। मतलब ऑनर्स बोलते हैं कि डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट होता है एज़ कम्पेयर टू अदर्स, बट यहाँ पे ऑनर्स वाले बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा मार्क खा जाते हैं एक तरह से, क्योंकि TGT साइंस के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगा है कि अगर आप लोगों ने 3 साल बॉटनी, जोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ी है तभी आप लोग बैचलर्स के लिए बैचलर्स में, और अगर आपका सीटेट लेवल 2 क्लियर है तभी आप TGT साइंस के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ऑनर्स वाले कैंडिडेट्स नहीं अप्लाई कर सकते इस पोस्ट के लिए। देन बात कर लेते हैं TGT संस्कृत की। तो TGT संस्कृत में अगर आप लोगों ने संस्कृत अपने 3 साल ग्रेजुएशन में पढ़ी है तो आप लोग एलिजिबल हैं टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ TGT संस्कृत। देन TGT मैथ्स की बात करें तो अगर आप लोगों ने बैचलर्स करी है मैथ्स में और बैचलर्स करने के बाद अगर आप लोगों ने बैचलर्स करने के बाद अगर आप लोगों ने इनमें से कोई भी सब्जेक्ट किया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स या इलेक्ट्रिसिटी, इन चारों में से, पांचों में से कोई भी सब्जेक्ट अगर आप लोगों ने मैथ्स के साथ किया है बैचलर्स में तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ TGT मैथ्स। एंड लास्ट आपका TGT फिजिकल एजुकेशन में अप्लाई करने के लिए अगर आप लोगों ने बैचलर्स करी है, बैचलर डिग्री करी है, ग्रेजुएशन करी है इन फिजिकल एजुकेशन, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ TGT फिजिकल एजुकेशन टीचर। एज लिमिट मैंने आपको बताई थी, द अपर एज लिमिट, मैक्सिमम एज लिमिट होती है जो TGT के लिए, इट इज़ 35 ईयर्स, बट 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है फीमेल्स को। तो अगर आप फीमेल हैं एंड 45 ईयर्स तक भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं फॉर TGT पोस्ट। एंड OBC को 3 साल का रिलैक्सेशन एंड SC ST को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, तो इस हिसाब से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास काफ़ी सारे एज लिमिट है टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। तो यही थी हमारी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की प्रॉब्लम्स जो जनरली फेस कर रहे हैं। अभी भी हम लोग पक्का नहीं कह सकते हैं, 50-50 चांसेस हैं कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की प्रॉब्लम खत्म हो जाए। अगर ये खत्म हो जाती है तो काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो DSSSB से मतलब आउट हो चुके हैं, आउट ऑफ एज हो चुके हैं, और जिनको केंद्रीय विद्यालय संगठन में मौका मिल सकता है अप्लाई करने का। सो लेट्स होप फॉर द पॉजिटिव, लेट्स प्रे टू गॉड कि इस बार सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की प्रॉब्लम्स ना आए, और नहीं आएंगी तो आप में से काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो DSSSB में नहीं भर पाए तो अब केंद्रीय विद्यालय में वो भर पाएंगे।
सो यही थी आज की डिटेल्स अबाउट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन. टिल द टाइम थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे.